हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वन साइड आर्म पेन एंड वन साइड लेग पेन की एक्सरसाइजेस के बारे में। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि उनके पूरे आर्म में भी पेन हो रहा है और लेग पे भी हो रहा है, यानी कि एक पूरी साइड पेन कर रही होती है। उसका रीज़न उनको लगता है कि उनके नेक के में जो डिस्क बल्ज है उसकी वजह से होगा, पर ऐसा नहीं होता। एक साइड आर्म पेन जो हो रही है वो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की वजह से है, यानी कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम की वजह से। सेकंड जो होती है हमारी जो सैटिका यानी कि हम लेग पेन की बात करते हैं वो होती है हमारी लंबर डिस्क की वजह से, यानी कि लंबर स्पाइन में जब कंप्रेशन होता है। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो आज हम इसकी दोनों की एक्सरसाइज एक साथ में बताएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज है। तो ये दोनों लोगों के लिए जिनको एक साइड आर्म पेन हो रहा है या जिनको एक साइड लेग पेन हो रहा है या जिनको दोनों हो रहे हैं, उन सब के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम आर्म पेन की बात करेंगे, जो नेक से लेके आर्म में जा रहा है उसका पेन के बारे में बात करेंगे। तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कैसे करनी है, सबसे पहले तो हमने इस तरह से लेट जाना है सीधा, और उसका रीज़न होता है हमारा सर्वाइकल रीजन में कोई नर्व प्रेस हो रही हो तो आर्म में पेन जाता है। तो इस तरह से लेट जाना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि अपने जो नेक फ्लेक्सर्स होते हैं, डी फ्लेक्सर्स, उनको सही करना। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है चिन टक करके सिर से पिल्लो को प्रेस कर देना है इस तरह से। अब सिर से पिल्लो को प्रेस करेंगे चिन टक करके, तो हमारे जितने मसल्स हैं, हमारे जो पोस्टरल मसल्स हैं, वो हमारे आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये इसकी एक्सरसाइज होती है क्योंकि लोगों को पोकिंग चिन होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से नर्व कंप्रेशन होता है। सेकेंड हम क्या एक्सरसाइज करेंगे, हम मसल स्ट्रेचिंग करेंगे। तो जब मोस्टली जो हमारे यंग पेशेंट्स होते हैं उनको होता है पॉस्चर की वजह से, या उनका जो ट्रेपीजियस मसल होता है उसकी वजह से जब टाइटनेस होती है तो हेडेक भी हो सकता है या आर्म में भी पेन जा सकता है। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, सीधा इस तरह से बैठ जाना है और इस तरह से अपने सर के ऊपर यहाँ इस पोजिशन में हमने हाथ रख के अपनी नेक को ऐसे स्ट्रेच करना है ताकि ये जो ट्रेपीजियस मसल है ये स्ट्रेच हो सके इस तरह से। अब ये जब ट्रेपीजियस मसल स्ट्रेच होगा तब उसको रिलैक्सेशन भी मिलेगी पेशेंट को। थर्ड एक्सरसाइज आती है जब उसके इस आर्म में इस तरह से पेन हो जाता हो, तो हमें क्या करना है, हाथ को यहाँ से, मतलब इस हाथ को जो जिसमें पेन हो रहा है उसको दूसरे शोल्डर के ऊपर रख लीजिए, और ये जो हमारी एल्बो है वो बिल्कुल चिन के सामने आ जाए। उसके बाद इस हाथ से इसको स्ट्रेच करना है ऐसे, ये हाथ को हमने फ्री रखना है ताकि वो आगे को मूव कर सके इस तरह से स्ट्रेच करके, और अपनी बॉडी भी घुमा लेनी है ऐसे। अब ये जो सारा स्ट्रेच है ये उसकी आर्म से लेके उसके रोम्बाइडस, उसके सारा जो ट्रेपीजियस मसल है, लोअर ट्रेपीजियस है, वो सब जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है। थर्ड और जो फोर्थ है, फोर्थ एक्सरसाइज के लिए हमने जो आर्म में स्ट्रेच जाता है साथ में अपर बॉडी में भी जाता है, वो सारा क्या करना है, हाथ हमने रख लेना है सर के पीछे और किसी को बोल लेना है कि एल्बो से उसको होल्ड कर ले। तो ऐसे सर के पीछे हाथ रख के जो हमने लेग को, जो साइड में पेन है वो लेग को हमने दूसरी लेग के ऊपर रख के, और बॉडी को पूरा, अब देखिए मेरा पैर जो है वो इस तरफ जा रहा है, तो पैर वाली डायरेक्शन में हमने बॉडी को रोटेट कर देना। और इसमें ये जो नेक है उसको ऑपोजिट साइड ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये नेक का कोई काम नहीं है इसमें। हमने सिर्फ बोलना है घर पर किसी को कि यहाँ से होल्ड करके रखे ताकि ये उठे ना, और इसके बाद अपनी बॉडी बिल्कुल ऐसे रोटेट कर देनी है। अब आपको ये जो सारा स्ट्रेच है ये यहाँ रिब से लेके इस पूरे एरिया में फील होगा, इवन के यहाँ तक भी फील होगा लोअर बैक तक। तो ये जो एक ही साइड में पेन हो रहा होता है उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है अपने हाथ सर के पीछे रखिए और इस तरह से रोटेट हो जाइए, बस यहाँ से किसी ने एल्बो को होल्ड किया हो। तो ये हो गई हमारी अपर बॉडी, अपर लिम की एक्सरसाइज जो बहुत प्रॉब्लम करती है, उसके लिए ये एक्सरसाइज करना है। अब हमने करना है एक साथ में अपनी आर्म के लिए स्ट्रेच करना है, जो हमारा कई बार पेन हमारी फिंगर्स भी सोती हैं, हाथ भी सो जाता है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेच होता है। तो हमने क्या करना है, इस तरह से अपने फिंगर्स को नीचे रख के दीवार के साथ लगा के जो पाम वाली साइड है वो ऊपर और फिंगर्स नीचे इस तरह से, मतलब शोल्डर जो है वो एक्सटर्नल रोटेशन में होना चाहिए। तो इस तरह से दीवार के साथ लग के अपनी नेक को दूसरी तरफ रोटेट कर लेना है, और उसके बाद आप देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा पूरी आर्म में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मीडियन नर्व की स्ट्रेचिंग के लिए, इससे मीडियन नर्व जो है वो खुलती है तो हमारी जो नमनेस होती है, हमारी जो टिंगलिंग होती है या पेन हो रही होती है हाथ में, तो वो रिलैक्स हो जाती है। तो अगर ये पांच एक्सरसाइज आप करेंगे सारी अपनी बॉडी के लिए, तो ये धीरे धीरे आपका जो नेक वाला और आर्म में जो पेन जा रहा है वन साइड,
ये ठीक हो जाएगा। अगर ये राइट साइड है तो मैंने तो राइट साइड के लिए बारे में बताया, अगर आपको लेफ्ट साइड में है तो सेम इसी तरह से प्रोसीजर करना है, बस जो रोटेशन वाली एक्सरसाइज है वो हमने फिर रोटेशन करनी है राइट साइड को, यानी कि ऑपोजिट टू द लेफ्ट। तो अब चलते हैं अपनी लोअर लेग, यानी कि जो हमारे सियाटिका होता है, लेग में पेन जाता है, टिंगलिंग सेंसेशन कुछ भी जाता है, तो वो बैक से लेके बैक में जब हमारी नर्व प्रेस होती है उसके लिए बारे में बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, स्पेशली सियाटिका के ऊपर भी बना चुका हूँ लग से, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं उस एक्सरसाइज की तरफ लोअर बैक के, और साथ में काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि हमें जब नेक की प्रॉब्लम होती है तो पिल्लो लेना चाहिए। जी हाँ, ज़रूर लेना चाहिए पिल्लो, क्योंकि जो इसका और इसका जो गैप है वो मेंटेन अगर नहीं होगा तो हम हाथ सर के नीचे रख के सोते हैं, जिसकी वजह से आर्म, शोल्डर और नेक पेन शुरू हो जाती है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और आपने इस पिल्लो का रिस्पांस भी बहुत अच्छा दिया था, तो इस पिल्लो को ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा 3 कप पिल्लो है, ये मैंने आपको सारा वीडियो इसका मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसका वीडियो देख लीजिए और आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं नीचे लिखे नंबर पर जाके। तो बेस्ट पिल्लो है हमारे शोल्डर के लिए भी है, आर्म नीचे नहीं रखनी पड़ेगी, उतनी प्रॉपर हाइट दी हुई है, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारी लेग की वजह से हमारा लेग पेन जो हो रहा है बैक की वजह से। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज हमने करना है नी टू चेस्ट इस तरह से। अब ये बटक पे भी स्ट्रेच आ रहा है, यहाँ लोअर बैक पे भी आ रहा है, जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे, इसको ज़रूरी नहीं है कि आपने साथ में नेक भी उठानी है या नी को चेस्ट की तरफ लगाना ही लगाना है। ये चेस्ट का मतलब होता है जितना आप इसको खींच सकें, स्ट्रेच आ रहा है बस उतना ही रखिए। कई लोग बहुत जोर लगाने लग पड़ते हैं तो उनको यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है, वो बिल्कुल नहीं करना। आप हीट लीजिए और उसके बाद यहाँ से नी टू चेस्ट शुरू कर दीजिए। ये होगी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में जो हमने ये वाला स्ट्रेच किया था, ये पूरा अपर बैक से लेके हमारे आर्म तक जाता था। अब लोअर बैक के लिए जो हमने करना है उसको हमने यही चीज़ करनी है, एक लेग को दूसरे के ऊपर रखना है, पर जो स्ट्रेच करना है वो दूसरे हाथ से इसको खींचना है ऐसे, और ये जो अपर बॉडी है ये स्टेबल रहती है। अब इसका जो स्ट्रेच आएगा वो बटक पे आएगा, ताकि हमारे जो पिरीफॉर्मिस मसल के पीछे जो नर्व प्रेस हो रही है, सेटिंग नर्व, अगर वो हो रही होगी तो भी यहाँ से ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये रोटेशन ऐसे करनी है, और दूसरे कई लोग क्या करते हैं ऐसे दोनों लेग्स करके ऐसे रोटेट करते हैं, तो ये गलत है, ये रोटेशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका जो एक्सिस बनता है वो अपर बैक में बन रहा है, ना कि यहाँ पे। आप देखिए, जब हम रोटेट हो रहे हैं तो ये सारी की सारी बॉडी घूम रही है विद अपर बैक, तो रोटेशन का जो एक्सिस है वो अपर बैक है, वो गलत हो जाएगा। अगर हमने सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेच देना है तो लेग को रैक के ऊपर रख के और सिर्फ ऐसे हमने इस हाथ से स्ट्रेच कर लेना है। ये होगी सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज के लिए हमने सेटिंग नर्व का स्ट्रेच करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ से इसको होल्ड कर लिया, आराम से 90 डिग्री पे रख लिया अपने हिप को, उसके बाद लोअर लेग को जितना स्ट्रेच कर सके कर लिया। मान लीजिए किसी का यहाँ तक जाता है तो यहाँ तक लेके जाए, इससे ऊपर जाता है तो इससे ऊपर लेके जाए, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, जहाँ पे आपको थाई के पीछे स्ट्रेच फील हो जाए बस वहीं पे रुक जाइए। उसके बाद एक और कॉम्पोनेंट करना है कि अपनी लेग है जो अपने जो पैर है उसको अपनी तरफ खींच लेना, बस इतना स्ट्रेच करना है आपने, तो ये सारा जो सारा स्ट्रेच है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाना। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं, हम आपको अगर राइट साइड पे हो रही है तो राइट साइड करिए, अगर लेफ्ट साइड पे हो रही है तो लेफ्ट साइड करिए। मैं रोटेशन इसकी बता देता हूँ, अगर लेफ्ट साइड पे करना होता तो मैं राइट के ऊपर रखता जो रोटेशन वाला है, और जिधर को पैर जा रहा है उधर को हमने उसी हाथ से इसको ऐसे रोटेट कर लेना, तो ये स्ट्रेच हो गया। तो ये थी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो हमारे नेक से लेके आर्म में पेन जाता है और बैक से लेके लेग में पेन जाता है। ये वन साइड होता है तो लोगों को लगता है कि पता नहीं सारा ऊपर से शुरू हो रहा है, यहाँ कईयों को लगता है नीचे से ऊपर आ रहा है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि जो हमारा बैक वाला पेन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता, अनलेस एंड अंटिल आपको कोई ना कोई जगह पे ट्यूमर ना हो या कोई ना कोई रेडिएशन ना हो, कहीं सॉफ्ट ऑर्गन से ना प्रॉब्लम आ रही हो, तब ऐसा होता है जो रेडिएटिंग पेन होता है। अदरवाइज जो पेन है कंप्रेशन का, वो हमेशा नीचे की तरफ ही जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आता है। सेकेंडली, अब आपको मैंने बता दिया कि इसकी एक्सरसाइज कैसे करनी है, और एक्सरसाइज से पहले अगर आप हीटिंग पैड ले लेंगे अपने नेक के पास, अपने आर्म के पास, तो और भी बेटर हो जाएगा। और यहाँ पे जो ट्रिगर पॉइंट्स बनते हैं ट्रेपीजियस के पास, उसके लिए मैंने आपको मसाज बॉल के बाद साथ एक्सरसाइज बताया था फाइब्रोमाइलजिया में, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसको भी ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो आपको हेल्प करती हैं आपकी एक्सरसाइज को ईजी करने में। कई बार क्या होता है, हमारे पास टाइम कम होता है, तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करके हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं इमीडिएटली। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए सबके साथ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ये जिनको नेक से लेके आर्म में पेन जा रहा है उनके लिए भी बेनिफिशियल है,
और जिनको सिर्फ सैटिका हो रहा है यानी कि बैक से लेके लेग में जा रहा है उनके लिए भी बेनिफिशियल है। अब सैटिका के सिम्टम्स जो हैं या सैटिका का जो सिवेरिटी है वो डिपेंड करती है एक्यूट और क्रॉनिक पे। उसके लिए मैंने पूरा का पूरा सीरीज बनाया हुआ है, किसको नहीं समझ आता तो वहाँ जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जा से आप देख सकते हैं। या मुझसे वन टू वन कंसल्ट करने के लिए, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा मुझसे वन टू वन कंसल्ट करने के लिए भी नीचे लिखे नंबर पर जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस होती है, उसको पे करके आप मुझसे वन टू वन कंसल्ट कर सकते हैं और उसका थोड़ा वेटिंग पीरियड होता है, इसलिए पेशेंस जरूर रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और इस सर्वाइकल पिल्लो, नेक पिल्लो, शोल्डर पिल्लो को ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।